कान के ऑपरेशन के लिए कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं? कान के ऑपरेशन का मकसद, दो किस्म के ऑपरेशन होते हैं। एक तो ऑपरेशन था जिसमें अगर कान की हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए, रेशा लग जाए, या हम उसे अपने साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कि कलेस्टोटोमा बन गया। तो याद रखिए, अगर किसी भी पेशेंट की कलेस्टोटोमा की सर्जरी होनी है तो उसके लिए फॉलोइंग टेस्ट मैंडेटरी होते हैं। और उसमें सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो सीटी स्कैन होता है, जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि बीमारी किस एक्सटेंट तक गई हुई है और क्या ये अपनी लिमिट में है या अपनी लिमिट से क्रॉस कर गई है। तो सीटी स्कैन इंतहाई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। नंबर टू, हेयरिंग टेस्ट, क्योंकि कलेस्टोटोमा सर्जरी में जो ऑपरेशन के दो मकसद होते हैं, वन के मुकम्मल तौर पे कान को डिजीज़ फ्री किया जाए, नंबर दो कान की हेयरिंग को रिस्टोर रखा जाए, बल्कि उसको बेहतर भी किया जाता है। तो ये दो इसके फंक्शन होते हैं। तो आपको ऑपरेशन से पहले हेयरिंग की क्या डिग्री है, डेफनेस डिग्री और डेफनेस कितना है, वो मेयर करना मैंडेटरी होता है। नंबर तीन, कान का माइक्रोस्कोप के नीचे मुआयना। तो ये माइक्रोस्कोप के नीचे मुआयना आपको काफ़ी हद तक गाइड कर देता है कि आपने किस अप्रोच से इस डिज़ीज़ को अप्रोच करना है। ये वो टेस्ट है जो कि किसी भी सर्जन के लिए मैंडेटरी होते हैं और ये प्रायर टू सर्जरी होने चाहिए।